2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में सुबेदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। बलोचिस्तान के अक्सर इलाकों में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तो ग्यानी और सैलाबी रेलों से बेशतर राबता सड़कें बह गईं। सुबह भर में तूफानी बारिश और सैलाब से पेश आने वाले हादसात में अमवात की तादाद 132 हो गई है। 13,500 मकानात मुतासर हुए हैं, जबकि बिजली के 140 खंबे गिर चुके हैं। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कोयटा, जोब, ज्यारत, मुसाखिल, किला अब्दुल्ला, पशीन, बारखान में बादल बरस सकते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश जोब में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। तारीख रकम करने वाला मानसून का चौथा स्पेल बलोचिस्तान के जनूब, मशरकी और वस्ती इलाकों में तबाहकारियों का बाइस बन रहा है। मुल्क के बलाई इलाकों से सैलाब में बहकर आने वाली मजीद 4 लाशें सखर बैराज से मिली हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में बैराज से 12 लाशें मिल चुकी हैं। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR का कहना है कि सैलाब ज़दा इलाकों में फौज और FC की फ्लड रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। जारी किए गए बयान में ISPR ने बताया है कि पाक फौज के जवान तिब्बी इमदाद की फराहमी और मवासलाती राबते बहाल करने में मसरूफ हैं। वजीर खजाना ने 150 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों को फिक्स टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। वजीर खजाना मुफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि तहरीक इंसाफ मुल्क को दिवालिया करने के करीब छोड़ गई, इसे बचाने के लिए हम सबको टैक्स देना होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुफ्ताह इस्माइल ने कहा कि रुपए पर जल्द दबाव खत्म हो जाएगा और चीजें आसान हो जाएंगी। 3 माह में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे रुपए की कदर में कमी आए। दरामदाद में कमी के बाइस रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। इस माह $5 मिलियन की दरामदाद हुई, दरामदाद में एक कमी खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट करके छोड़ गए थे, लेकिन हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान पूछते हैं जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार आप हैं। माजी की हुकूमत की पॉलिसी के बाइस तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में टैक्स कलेक्शन में कमी आई। खान साहब ने IMF से वादा करके तोड़ा तो करंट अकाउंट खसारा बढ़ गया। हमने मुश्किल बजट दिया क्योंकि इमरान खान मुल्क इस सूरत हाल में छोड़कर गए। गर्दिशी कर्जा आपने 1400 अरब बढ़ा दिया। हर शोबे की तनजली के जिम्मेदार आप हैं। आपने 1 पैसे का भी ट्रांसमिशन नुकसान कम नहीं किया, 1 पैसे का रिफॉर्म नहीं किया और 1 पैसे का काम नहीं किया। मुफ्ताह इस्माइल ने कहा कि इस वक्त मुल्क में गंदम जरूरत से ज्यादा है। अगले माह से बरामदात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है 2 हफ्तों में रुपये की कदर में इजाफा होगा। मोबाइल फोन पाकिस्तान में बन रहे हैं और बनते रहेंगे। साबिक वजीर दाखला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान के पास 90 रोज़ के बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत जीरो और इमरान खान हीरो बन गए। सोशल मीडिया पर जारी किए गए बयान में उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला लंदन में हुआ, वही इसे छोड़ने की बातें कर रहे हैं। शेख रशीद ने कहा है कि माशी तौर पर मुल्क जाम हो गया है, लोग बिजली और गैस के बिल पर फिक्स टैक्स नहीं दे सकते। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की दिन रात बे असर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का यह भी कहना था कि मुख्तसर तहरीक में इमरान खान छा गए हैं।